मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे वाटर कलर की ड्राइंग करना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो चाहिए वो है वाटर कलर की ट्रे। अगर कलर पैलेट ट्रे हमारे पास नहीं है, मेरे पास है बट इसमें मैंने बहुत सारे कलर किए हुए हैं तो कुछ कलर यहाँ पे ड्राई हो चुके हैं और निकल नहीं रहे हैं। सो इग्नोर दिस। एक्चुअली क्या है कि हमें अगर पैलेट ट्रे यूज़ करनी है और हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी प्लास्टिक की ट्रे हमारे पास होती है जो डिनर सेट में मीडियम साइज़ की आती है, वो ट्रे हम यूज़ कर सकते हैं और फिर उसमें बकेट में पानी में भिगो के रखने से वो हम फिर रीयूज़ कर सकते हैं। वो बिगड़ती नहीं है, कलर हमारे निकल जाते हैं बट बहुत टाइम सुखाने के बाद अगर ड्राई हो जाता है फिर आप नहीं करते हो तो वो कलर फिर नहीं निकलते। आप उसको एट द टाइम आपको वो चीज़ करनी रहती है। और मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे पानी भरूँगी और जो भी कलर मुझे जितने चाहिए उतने ही कलर मैं लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे येलो कलर चाहिए तो मैं येलो कलर इतना ले रही हूँ जितना मुझे चाहिए। मैं पूरी डिब्बी में कलर नहीं कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैंने स्कूल में यही देखा है कि आप सब कैसे करते हो, ये जो कलर का जो कंटेनर है उसी में से डायरेक्ट आप पेंटिंग करते हो तो उसमें क्या है आपके कलर का जो टोन होता है वो बिगड़ जाता है, दूसरे कलर रेड कलर इसमें आ जाते हैं, दूसरे कलर में येलो कलर चला जाता है। तो वो चीज़ एक्चुअली नहीं होनी चाहिए क्योंकि कलर हमें दूसरी बार भी काम आने चाहिए, एक बार का काम नहीं होता है कलर का। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये पैलेट में हमें जितने कलर चाहिए उतने कलर हम ले लेंगे और थोड़ा सा, क्योंकि येलो कलर बहुत ही पतला कलर होता है, वो ज़्यादा थिक नहीं होता, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा वाटर मिक्स नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी और उसमें मैं येलो कलर से कलर कर लूँगी। आप देख सकते हो मैं एकदम पतली सी पैटर्न कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने येलो कलर किया है और अभी यहाँ पे कर रही हूँ। Now you can see. हमारा ब्रश होल्डिंग भी ऐसे ही होना चाहिए जितना हमारा ड्राइंग हो। हमारा ड्राइंग हमें बहुत ही ज़्यादा आगे से करना है तो हमें आगे होल्ड करना है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है हमें बड़े स्ट्रोक देने हैं तो हमें पीछे होल्ड करना है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और मुझे बहुत नज़दीक से भी नहीं करना, छोटी ड्राइंग नहीं करनी है, पैटर्न बहुत बड़ी नहीं बनानी, तो मैं यहाँ पर Now you can see मेरा यहाँ पे येलो कलर कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा कलर मिक्स कर रही हूँ। स्टूडेंट अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है और आपके पास येलो कलर है तो आप येलो कलर में ब्लू कलर को मिक्स करके आप ग्रीन कलर बना सकते हो। आपके पास अगर स्काई ब्लू कलर है तो, और अभी मैं यहाँ पे आपके सामने ऑरेंज कलर बनाऊंगी। ऑरेंज कलर बहुत ही इजी होता है, हमें पता है कि रेड कलर और येलो कलर से बनता है ऑरेंज कलर, तो वो बहुत ही इजी है टेक्सचर बनाना, तो सिंपल है। Now you can see that tomato red color मैंने किया है यहाँ पे, बहुत थिक भी नहीं है और बहुत ही पतला भी नहीं है। वाटर कलर में धीरे धीरे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे कलर कोई भी हो, वाटर हो, पेंसिल हो, कि कलर हमारे बाहर लाइन से ना जाए ताकि जो ड्राइंग है उसका जो कलर है वो नेचुरली हम जो है वो दिखा सके, हमारा
कलर बिगड़ना नहीं चाहिए, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा ये हार्ट शेप का जो फ्लावर है वो रेडी हो चुका है। वैसे ही हम सारी लाइनें धीरे धीरे कर लेंगे और यहाँ पे हम मेरे पास पोस्टर्स कलर पड़े हुए थे, मैंने वो यूज़ किए हैं। आपके पास रंगीला कलर होंगे या कोई भी वाटर बेस्ड कलर होंगे, आप वो कलर इसमें यूज़ कर सकते हो। You can see that, एकदम आराम से कीजिए स्टूडेंट, लाइन से कलर बाहर नहीं जाने चाहिए। Then you can see, this is the final touch, हमारा रेड कलर हो गया है। अभी हम सेम वे पे दूसरे कलर भी करेंगे। हम यहाँ पे ऑरेंज कलर से कलर करेंगे। You can see that color. तो हमारे कलर यहाँ पे हो चुके हैं और अभी हम मिडिल एरिया में जो है हमारे बाकी कलर फॉर्म पूरे करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़े से लाइट कलर इसमें अंदर कर लेते हैं, बहुत ही लाइट कलर। कलर जो है वो उसमें पानी कम होना चाहिए, वरना रेड कलर में चला जाएगा तो हमारे कलर बहुत ही मिक्स हो जाएंगे और अगली दिखेंगे। तो हमें यहाँ पे रेड कलर का अच्छा सा ड्रॉप कर लेना है पूरा सर्कल में। यू कैन सी, मैंने कलर लाइन से बाहर जाने नहीं दिया है। ये स्टूडेंट, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मुझे अभी ग्रीन कलर करना है। सो यहाँ पे ग्रीन कलर करने के बाद यू कैन सी दैट जो शेप है वही शेप मैं मेंटेन कर रही हूँ, उसी हिसाब से मैं राउंड में कलर कर रही हूँ। सो हो गया भी सेम, दूसरा मैं
So this is the done work is आप देख सकते हो स्टूडेंट, हमारा कलर एकदम सही से अच्छे से लाइन से बाहर जाए बिना हमारा वर्क पूरा हो चुका है। सो स्टूडेंट, ऐसे ही कलरफुल वीडियो मुझे बना के आप फोटो भेजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।